जय हिंद एवरीवन। भाई अभी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बताया था इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप सी की ऑफलाइन भर्ती आई हुई है, उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताया था कि ये हाई स्कूल से फार्म है। और देखो ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां होती है ना, सिविल की भर्ती होती है, उसमें यूनिफार्म नहीं मिलता है लेकिन सैलरी बहुत अच्छी रहती है। अगर फार्म नहीं मिला है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाना। वैसे तो मैं पहले भी उस फार्म को भेज दिया हूँ, तो अगर आप लोग जितने भी भाई को भरना है हाई स्कूल से है सभी लोग भर सकते हैं। और अभी मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप किस तरह भरा जाएगा फार्म को बता दूंगा। और देखो फार्म भरने के बाद पोस्ट ऑफिस पर जाना है, ऑनलाइन फार्म नहीं है ऑफलाइन है। पोस्ट ऑफिस पर आप लोग जाओगे, पोस्ट ऑफिस पर जैसे क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और टिकट कितना लगेगा मैं आप लोगों को सब बता दूंगा। पोस्ट ऑफिस पर जाकर बस जमा कर देना है, ठीक है ना। और पैसा एक भी रुपया नहीं लगेगा, वो जो पोस्टमैन आपका पोस्ट करेगा स्पीड पोस्ट करेगा तो वो थोड़ा बहुत पैसा ले सकता है 40 से 50 रुपया। बस मेहनत लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और सैलरी अच्छी खासी रहती है, तो जितने भी भाइयों को भरना होगा आप लोग भर देना। ऑफलाइन ग्रुप सी एयरफोर्स की भर्ती है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ फार्म कैसे कैसे भरा जाएगा, और फार्म जिसके पास नहीं है मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। उसको आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप से निकलवा लेना। एयरफोर्स ग्रुप सी ऑफलाइन भर्ती जो निकली हुई है पूरे भारत मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए है 10 पास से। ये फार्म कैसे मिलेगा, किस तरह भरा जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और पोस्ट ऑफिस पर किस तरह जमा किया जाएगा मैं आप लोगों को इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर पूरा वीडियो देखते हो तो कहीं भी कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जितना लगेगा उतना सब मेहनत ही लगेगा। अगर आप मेहनत करके फार्म भर देते हो तो इसका सैलरी अच्छा रहता है यार, 25,000 से ऊपर ही रहता है। तो जिन जिन भाइयों को भरना होगा आप लोग वीडियो पूरा देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सब कुछ बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये सब तो मैं आप लोग को पहले भी बता दिया था। देखो इसका जो स्टार्ट डेट है ना कंफर्म नहीं था लेकिन कंफर्म हो गया है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ गया है, रोजगार समाचार पत्र जो होता है तो उसमें मतलब दे दिया है। जैसे कोई भी ऑफलाइन भर्ती आती है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ही आती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टार्ट डेट है 30/10/2021 से स्टार्ट होगा और लास्ट जैसे 28 तक है इसका फार्म, 28 तक भरा जाएगा, 28 के अंदर ही फार्म पहुंच जाना चाहिए। देखो ये ऑनलाइन फार्म नहीं है, ऑफलाइन फार्म है। इसको भरोगे उसके बाद से भरने के बाद पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर जमा करोगे तो 5-6 दिन जाने में लग जाएगा, तो इसलिए आप लोग पहले भर देना, लेट नहीं करना। 41 FAD की जो ऑफलाइन भर्ती आई हुई थी इंडियन आर्मी ग्रुप सी की, तो बहुत सारे भाई नहीं भरे थे जो कि बाद में पछतावा कर रहे थे, तो बाद में पछतावा नहीं करना पड़े, आप लोग भर देना, ठीक है ना। 10 पास से है तो अब बात कर लेते हैं, इसमें मिनिमम एज जो है ना 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ 18 से 25 साल तक के अंदर में रहोगे तभी इस फार्म को भर पाओगे। अब बात कर लेते हैं, देखो पोस्ट नेम जो दिया है LDC है, MTS है, ये सब पोस्ट नेम दिया है, तो किसी में 12 पोस्ट है टोटल मैं बता रहा हूँ। देखो जनरल OBC SC ST मतलब सब कुछ मिलाकर LDC में 12 पोस्ट है ऑल इंडिया के लिए, पूरे भारत मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। और MTS में सब मिलाकर 18 सीट है, और ये जो दिया स्टोर में इसमें एक सीट है पूरे ऑल इंडिया में, यहाँ आप लोग देख सकते हो एक ही सीट है। तो ये बात कर लेते हैं CMTD, इसमें जो है ना इसमें 45 सीट है, सबसे ज़्यादा सीट है पूरे ऑल इंडिया में पूरे भारत के लिए। अब नीचे बात कर लेते हैं, टोटल जो पोस्ट है ना 43 पोस्ट है, तो ये पूरे भारत के लिए मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप सी में जो भर्ती आई हुई है ऑफलाइन, तो उसमें 83 पोस्ट है। अब नीचे बात कर लेते हैं, जैसे 83 पोस्ट है तो इस जैसे कैसे फार्म को भरना है, कहाँ भेजना है, तो देखो ये जो जगह दिया है ना पोस्टल एड्रेस, आप लोगों को जो लिफाफा रहेगा उसके ऊपर लिखना है यहीं पर भेजना है, और किस तरह लिखना है मैं आप लोगों को बता दिया हूँ बहुत पहले ही, और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन आगरा UP, यहाँ पर अगर भेज रहे हो, जैसे मान लो आप UP से हो आपको नज़दीक भेजना है तो यहाँ पर आप लोग अपना फार्म भेज सकते हो, तो यहाँ से आपका जो उधर से कॉलिंग लेटर आएगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को अपना फिजिकल रिटर्न जो कुछ भी होगा यहाँ जाकर देना रहेगा। अगर यहाँ पर भेज रहे हो एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर आसाम, तो यहाँ पर आप लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर भेज रहे हो अपना फार्म ऑफलाइन फार्म भरकर, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी, बहुत सारा जगह दिया है, आप कहीं भी भेज सकते हो, और सभी में कितना कितना मतलब पोस्ट है ये भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं नीचे जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे
बहुत सारे भाई इस बात को लेकर कंफ्यूजन में हो गए। मान लो ALDC के लिए आप भर रहे हो, फार्म भर रहे हो, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो 12 क्लास पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अगर ALDC के लिए भर रहे हो तो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12 पास होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड मतलब टाइपिंग सर्टिफिकेट मतलब होना चाहिए, ठीक है ना, 1 मिनट में 35 वर्ड, वो भी इंग्लिश का। अगर ALDC के लिए भर रहे हो तो, अगर MTS के लिए भर रहे हो तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अगर देखो सबसे अच्छा यही है भाई, अगर कुछ भी नहीं है, 10 पास हो तो 12 का भी सर्टिफिकेट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप MTS में भर देना। MTS सबसे अच्छा है। जिस भाई का दौड़ नहीं अच्छा होगा, हाइट कम होगा, वजन ज़्यादा होगा, पढ़ने में थोड़ा अच्छा होगा, नौकरी करना चाहता होगा, तो देखो ये ऑफलाइन भर्ती जल्दी पता नहीं चल पाती है, तो इसलिए बहुत सारे भाई नहीं भर पाते हैं। तो ये सबसे अच्छा है, MTS अच्छा है, मैट्रिकुलेशन पास मांगा है, 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लेना। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, सिंपल 10 पास होंगे, उनके लिए MTS वाला सबसे अच्छा रहेगा, बस 10 पास मांगा है, ठीक है ना। और ये जो दिया है ग्रेजुएशन से मांगा है, तो इसमें जो दिया है ना, इसमें पूरे ऑल इंडिया के लिए एक ही CET है, ये वाले में, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं CMTD, तो इसमें बहुत सारा मैट्रिकुलेशन पास मांगा है और कुछ भी मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ फार्म को किस तरह भरा जाएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोरिंग महसूस करने लगोगे। यहाँ कुक के लिए मांगा है मैट्रिकुलेशन पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड मतलब मान्यता प्राप्त विद्यालय से, 10 पास होना चाहिए, कुक में भर पाओगे और डिप्लोमा भी साथ में रहेगा तब। अब बात कर लेते हैं कारपेंटर में 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, और ITI भी मांगा है इसमें, ठीक है ना। और यहाँ जो फायरमैन का दिया है, तो फायरमैन में बस एक ऐसा ट्रेड है जिसमें हाइट मांगा है, चेस्ट मांगा है, वेट मांगा है, दौड़ मांगा है, बस फायरमैन में, बाकी किसी में नहीं मांगा है। तो फायरमैन में मांगा है, देखो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, मतलब 10 पास होना चाहिए, और मस्ट हैव अंडर गोन ट्रेनिंग इन द फायर फैक्ट्री। तो ये जैसे पता है क्या बोला है, देखो नीचे देख लेते हैं, 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए 81 से 85 सेंटीमीटर, वजन होना चाहिए 50 kg, और आप लोगों को 63 kg का वजन लेकर 183 मीटर 96 सेकंड में भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो इसको तो आप लोग कर ही लोगे, फायरमैन में मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन मांगा है। तो हमको लग रहा है AMTS वाला सबसे अच्छा है, AMTS में कुछ भी नहीं मांगा है, बस सिंपल 10 पास होना चाहिए। जो भाई सिंपल 10 पास होंगे उनके लिए MTS ही अच्छा रहेगा, और जिन भाइयों के पास ये सब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ITI डिप्लोमा रहेगा, तो जितना मैं बताया हूँ वो वाला सब अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं फार्म को किस तरह भरेंगे, तो मैं आप लोग को फार्म दिखा दे रहा हूँ, उसको किस तरह भरा जाएगा ये भी बता दे रहा हूँ, कौन सा पोस्ट है और किस पोस्ट में कितना सीट है। अब मैं आप लोग को बताऊँगा इस फार्म को कैसे भरा जाएगा और किस तरह कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ बता दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन देखो यार भाई पूरी ज़िंदगी की सवाल है, अगर एक वीडियो देख लेते हो तो अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ अब बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ फार्म किस तरह भरा जाएगा, उसके बाद से अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा इसमें जैसे पोस्ट ऑफिस पर कैसे पोस्ट किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो दिया है ना, जब आप लोग फार्म को निकलवा लोगे तो आप जैसे सबसे ऊपर दिया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर मान लो एक बात मैं बता रहा हूँ जैसे उदाहरण के तौर में, अगर MTS के लिए भरना चाहते हो सिंपल 10 पास हो तो यहाँ MTS लिख देना है, ठीक है ना। किस यूनिट में भरना चाहते हो तो ऊपर जो जगह का नाम दिया था उसको यहाँ पर लिखना है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पर आप लोगों को एक फ़ोटो चिपकाना है, और फोटो के ऊपर यहाँ पर फोटो जब आप लोग चिपका दोगे तो फोटो के ऊपर आप लोगों को साइन मारना है, ठीक है ना। और साइन जब मारना है तो आधा साइन फोटो के ऊपर होना चाहिए और आधा फोटो के बाहर होना चाहिए, इतना करना है। उसके बाद इतना करने के बाद नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है ना। अपने फार्म में देख लेना दूसरा नंबर पर जो दिया है, तो अपना नाम लिखना है वो भी बड़ा लेटर में। अब आ जाता है तीसरा नंबर फादर नेम, तो यहाँ आपके अपने पिताजी का नाम लिखना है, ठीक है ना। अब आ जाता है चौथा नंबर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो हाई स्कूल का मतलब सर्टिफिकेट मार्कशीट रहता है उसका भी चल जाएगा, उसका एक फ़ोटो कापी लगेगा। आप लोग यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना, जैसे जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में जितना डेट ऑफ बर्थ होगा उतना यहाँ पर डाल देना, और उसका एक फ़ोटो कापी लगेगा। देखो आप लोग याद कर लेना, हाई स्कूल के मार्कशीट का फ़ोटो कापी, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद एक फ़ोटो कापी आप लोग याद रखना। अभी नीचे भी बहुत ज़्यादा है जो डॉक्यूमेंट साथ में भेजना है। अब आ जाता है पाँचवा नंबर पर एज ऑन द लास्ट डेट, तो जैसे ये पता है क्या बोला है, मतलब आपका
जैसे मान लो इसका जो फार्म जिस दिन से भरा जाएगा और जिस दिन तक भरा जाएगा, तो उतने समय में आपका एज कितना हुआ है, जैसे मान लो 17 साल, मतलब 18 साल, 1 महीना, 20 दिन, जितना भी हुआ होगा आप लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देना 5वां नंबर में, ठीक है ना। अब नीचे आ जाता है 6वां नंबर में एड्रेस, कॉरपोरेंडेस एड्रेस, तो आपको अपना फुल एड्रेस भरना है यहाँ पर, अपना हाउस, अपना आपका विलेज कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, 6वां नंबर में पहला नंबर पर आपका गांव कहाँ है लिखना है, फिर पोस्ट ऑफिस कहाँ है लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है लिखना है, फिर आपका राज्य कौन सा है ये लिखना है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड कौन सा है, आधार कार्ड पर लिखा रहता है तो उसको लिखना है, ठीक है ना। अब परमानेंट एड्रेस दिया है, तो जब ये फार्म आप लोग भर दोगे, भर कर आप भेज दोगे, तो उधर से आपका एक एडमिट कार्ड आएगा, जिस एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि हाँ आपका पेपर इतने तारीख को यहाँ पर होने वाला है, तो उसके लिए जो एडमिट कार्ड आएगा कहाँ पर आएगा, वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना, परमानेंट एड्रेस। अब नीचे बात कर लेते हैं कास्ट, आपका कास्ट कौन सा है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जो कुछ भी होगा यहाँ पर आप लोग भर देना अपना कास्ट, ठीक है ना। और इसका एक मतलब फोटोकॉपी भी भेजना है, आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट रहता है तो उसका फोटोकॉपी भेजना है, और पहला जो था वो हाई स्कूल का मार्कशीट था, और दूसरा आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी भेजना है। दो मतलब मैं आप लोग को दो डॉक्यूमेंट बता दिया हूँ। अब बात आती है यहाँ 9 नंबर पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप 10 पास से फार्म भर रहे हो या 12 पास से भर रहे हो या ग्रेजुएशन से भर रहे हो, किसी से भी भर रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है ना। अगर 10 पास से भर रहे हो तो आप लोग यहाँ 9वां नंबर में 9 नंबर जो दिया है, 10 पास से भर रहे हो तो 10 पास लिख देना, और इसका फोटोकॉपी का जीरोक्स तो आप लोग को लगाना ही है। अब 10वां नंबर में दिया है एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब इसके अलावा ITI का, डिप्लोमा का और कुछ आपके पास है या नहीं है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है, अगर है तो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। और कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, अगर मान लो आप ST में आते हो, ठीक, अगर ST में मान लो आ रहे हो, एक भी सीट उसमें है नहीं, तो आप OBC में भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही लिखना है कि किस में आप भर रहे हो, किस में आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ आप लोग टिक मार देना। अब बात आ जाती है टेक्निकल ट्रेनिंग, तो आप टेक्निकल ट्रेनिंग ITI डिप्लोमा कुछ किए रहोगे तो यहाँ लगेगा, अगर नहीं किए रहोगे तो नहीं लगेगा। अब आ जाता है डोमिसिल, मतलब निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के निवासी हो, उसका जीरोक्स लगेगा। डॉक्यूमेंट आप लोग याद रखना, हाई स्कूल का मार्कशीट और जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण सर्टिफिकेट हो गया। अब बात आ जाता है मतलब 14 नंबर पर, वे रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट, तो इसको आप लोगों को नो कर देना है। अब बाकी सब आप लोगों को छोड़ देना है, बाकी यहाँ पर आप लोगों को फार ऑफिशियल रिकवर्ड ओनली, तो इसको आप लोगों को छोड़ देना है। ये ऑफिशियल मतलब वहाँ से जो एयरफोर्स जहाँ आप फार्म भर कर भेजोगे, जो कुछ भी करना रहेगा वहीं पर किया जाएगा, तो इसको आप लोगों को छोड़ देना है। और नीचे ये जो दिया है, तो पोस्ट आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो, अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, पिताजी का नाम लिख देना है, और अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, अपना डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, पिन कोड, यह सब आप लोगों को लिख देना है, तो इसको आप लोग नहीं भूलना, ठीक है ना। इंडेक्स नंबर आप लोग छोड़ देना, और ये वेन्यू स्किल प्रैक्टिस फिजिकल टेस्ट, इसको आप लोगों को छोड़ देना है, यहाँ अपना फोटो एक लगा देना, सेल्फ एड्रेस यहाँ पर सिग्नेचर आप लोगों को कर देना है, और यहाँ पर यहाँ तो मान लो यहाँ नहीं आप लोगों को सिग्नेचर करना है, ठीक है ना, यहाँ से आप उधर से ही आप लोगों को सिग्नेचर करके आएगा, यहाँ भी आप लोगों को फोटो लगाना है और फोटो के ऊपर सिग्नेचर कर देना है। तो ये तो मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया हूँ, और आप लोगों को जहाँ भी जैसे भेजना होगा, ये आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना कि मैं कहाँ भेजूँगा। देखो अभी देखो यहाँ पर जितना भी जगह का नाम दिया है, अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसमें आप लोगों को 10 रुपये का टिकट लगाना है, और ना ये फार्म 2 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट रुड़की रोड जो ऑफलाइन भर्ती निकली हुई थी, तो उसी फार्म का है, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को किस तरह भेजा जाएगा, किस तरह भरा जाएगा और कहां पर भेजा जाएगा, वो सब बताने के लिए इस फार्म को बता रहा हूं। इसके लिखे हुए पर नहीं जाना, लेकिन सेम इसी तरह भरा जाता है। कोई भी ऑफलाइन फार्म आती है, जैसे जल्दी किसी को ज़्यादा भाइयों को पता नहीं रहता है तो नहीं भर पाते हैं सब, लेकिन इसी तरह भरा जाता है कोई भी ऑफलाइन फार्म। देखो इस सबको 2 लिफाफा लेना है, एक छोटा लिफाफा लेना है, एक बड़ा लिफाफा लेना है, ठीक है ना। और छोटे लिफाफे के अंदर इस तरह एड्रेस लिखना है, कहाँ का एड्रेस लिखना है, सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो MTS के लिए अप्लाई कर रहे हो, MTS सिंपल 10 मांगा है तो MTS लिख देना है, ठीक है ना। कैटेगरी आपका कौन सा है, OBC है, SC ST, जो कुछ भी होगा आप यहाँ पर लिख देना। अब बात आती है छोटे वाले लिफाफे के ऊपर किस तरह लिखा जाएगा, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो तरीका इसी तरह रहेगा, मतलब मान लो जैसे जितना भी एयरफोर्स स्टेशन मैं आप लोग को बताया हूँ, तो जो नज़दीकी स्टेशन होगा आप लोग वीडियो बैक करके देख लेना,
वहाँ से जो आप लोग के नज़दीक पड़ेगा उसको उस जगह का नाम यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। अब आती है अपना पता किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर उस जगह का नाम लिख कर जहाँ भेजना है उस जगह का नाम लिख कर यहाँ आप लोग को अपना नाम लिखना है। पहले फ्राम लिख लेना, उसके बाद अपना नाम लिख लेना, मेरा नीलेश कुमार है तो मैं लिख दिया हूँ। फिर अपना विलेज का नाम लिख देना, फिर अपना पोस्ट ऑफिस का, फिर पिन कोड और आपका स्टेट यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह लिखने का तरीका है, छोटे वाले लिफाफे पर इस तरह आप लोग लिखना, उसके बाद से बड़े वाले लिफाफे पर आप लोग को इस तरह मतलब यही लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप एमटीएस के लिए भर देना, कैटेगरी जो होगा लिख देना, फिर जो जो यहाँ पर लिखे हो ना वही सेम लिख देना है। टू द कमांडिंग ऑफिसर टू, जैसे मान लो जिस जहाँ पर आपको भेजना है, यहाँ हमको भेजना है तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आपको जहाँ पर भी भेजना है बहुत जगह का नाम बताया हूँ, वीडियो बैक करके देख लेना, अच्छे से समझोगे तो समझ जाओगे, वहाँ जहाँ भेजना होगा आप भेज देना। अब बात आती है नीचे बड़े वाले लिफाफे पर नीचे क्या रहेगा, तो नीचे जिस तरह इसमें है ना सेम इसी तरह रहेगा, इसको आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर रख लेना और इस तरह आप लोग कर लेना। अब बात आती है इसको सब कुछ करने के बाद ये जो छोटा लिफाफा है इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा और फार्म रहेगा इसमें डाल देना, ठीक है ना, अंदर डाल देना छोटे वाले लिफाफे में। और छोटे वाले लिफाफे में डालने के बाद हाई स्कूल का मार्कशीट का जीरोक्स और जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र और दो फोटो और आधार कार्ड का जीरोक्स, इतना कुछ डालने के बाद इसमें आप लोगों को मतलब इस छोटे वाले लिफाफे को इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर डालकर और इस बड़े वाले लिफाफे का मुंह बंद कर देना है गोद लगाकर, ठीक है ना, गोद से चपका देना है, फिपकी से चपका देना है। उसके बाद आप लोग पोस्ट ऑफिस पर जाना, पोस्टमैन से कहना इसको पोस्ट करना है, ऊपर सब एड्रेस रहेगा, ठीक है ना, सब एड्रेस रहेगा, वो पोस्टमैन जो रहेगा वो आप लोगों का पोस्ट कर देगा, वहाँ आराम से आपका फार्म 4 से 5 दिन में स्पीड पोस्ट करेगा तो पहुँच जाएगा, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उधर से कुछ दिन बाद आपका कॉलिंग लेटर आएगा, जिस कॉलिंग लेटर में लिखा रहेगा कि आपकी भर्ती एयरफोर्स की इस जगह पर होगी, इतने तारीख को होगी, इतने तारीख को जाना रहेगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग आसानी से देख सकते हो, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा है, आप लोग मतलब अगर भरना चाहते हो तो भर देना। अगर तो भाई मैं आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूँ, देखो जिन जिन भाइयों को भरना होगा हाई स्कूल पास होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड दिया था, मैं आप लोगों को बताया हूँ किस ट्रेड में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है, सारा मतलब सब कुछ क्लियर कर दिया हूँ। जिन जिन भाइयों को भरना होगा आप लोग भर देना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई लोग, अभी हम लोग भी ग्राउंड पर आए थे। जय